अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आई एम सिदी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है ड्राई स्किन के बारे में, जो कि अभी मौसम जो अभी चल रहा है विंटर का, तो जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, मतलब प्रॉपरली तो नहीं लेकिन ये है कि प्रॉपर स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम तक। तो सर्दी जो जो कि आ चुकी है, थोड़ी बहुत अब ठंड लगती है रात को भी, मतलब किसी टाइम पे भी हमें सर्दी लगती है रात को सुबह। तो उसके लिए जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि हमारी जो सर्दियां हैं उसमें मॉइस्चर जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस हमारी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम उसकी प्रॉपर केयर ना करें तो हमारा जो बॉडी है वो हमारी जो स्किन है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्रैक पड़ने शुरू हो जाएंगे उसमें। तो उसके लिए मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन शेयर करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आराम से मिल सके। तो चलें आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए, ड्राई स्किन के लिए हमें चाहिए पाउडर मिल्क, जो कि अमूमन हर घर में ही यूज़ होता है, लाइक जब हम चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं एवरीडे, या बच्चों का जो दूध होता है नीडो इस तरह के, तो वो ले लेंगे हम एक चम्मच, छोटा वाला एक चम्मच आप ले लें बस काफ़ी है। उसके बाद हम ले लेंगे बनाना, बनाना आप ले सकते हैं फ्रेश भी ले सकते हैं, अगर कुछ दिन का पुराना है तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने इन दो इंग्रेडिएंट्स के अलावा आपने और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हनी मेरे पास नहीं था तो मैंने वो स्किप कर दिया है, तो आप डाल सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है। तो ये हम बनाना एक ले लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो दूध है ये भी हमने एक चम्मच लिया है, तो इस जो ये जो मिल्क पैक है, ये मिल्क पाउडर, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। आपने इसको क्रीमी फॉर्म में ले आना है, इसको मिक्स करना अच्छे से, इसको आपने मिक्स कर लेना, ठीक है। इसके सारे जो लम्स हैं वो सारे ख़त्म कर देने हैं, इसको एक क्रीम की जो टेक्सचर होता है वो क्रीम की तरह आना चाहिए। तो गाइस ये कुछ हमारा बन गया है, ये देखें। तो आप इसको इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, आप चाहें तो ये आप फेस पैक या फेस मास्क इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप हफ्ते में दो या तीन दफ़ा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की ज़्यादा स्किन जो है वो ड्राई है, ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाती है, थोड़े से मौसम से स्किन ख़राब होना शुरू होती है, तो वो इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल कोई केमिकल नहीं है, कोई भी ऐसी इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, तो इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है, आपको इसका फ़ायदा होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी, जस्ट आपने इसको ऐसे हैंड्स पर अप्लाई करना है इस तरह से, ये देखें इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है, और ये देखें ये आपने सारा अपने अपनी नेक पे, अपने फेस पे, इस तरह से अपने हैंड्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो आपने इसको लगा के तकरीबन कोई 15 मिनट के लिए आपने इसको लगा के रखना है, और उसके बाद आपने आप ठंडे पानी से अपना जो फेस है उसको वॉश कर लें, और आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज होना शुरू हो गई है कुछ ही दिनों में, और आपका जो चेहरा है, आपका जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा ग्लो करने लग गई है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा, तो अपना फीडबैक मुझसे शेयर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद ही कर रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।